प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर शांति लाल स्वर्णकर, सेवानिवृत्त जिला आयुर्वेद अधिकारी राजसमंद। जैसा कि आपको विदित है, पूरा विश्व कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। हमारा देश भी इससे वंचित नहीं है। दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो मेरे बहुत सारे साथियों का फोन आया कि हमें आयुर्वेद की दृष्टि से परामर्श देवें कि हम किन चीज़ का उपयोग लेवें। हमें घर में रहते हुए, हम हमारे घर के अंदर ही रहते हुए आयुर्वेद की किन चीज़ों को उपयोग में लेवें, जिस वजह से हम इस संक्रमण से बच सकें, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सके, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर अच्छी डेवलपमेंट हो सके। दोस्तों, मेरे इन दोस्तों के आग्रह को ध्यान में रखते हुए मैं आयुर्वेद की दृष्टि से आपको इस रोग के उपचार और बचाव के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद संहिता के अंदर दो प्रकार के रोग बताए हैं। पहले निज रोग, दूसरे आगंतुक रोग। निज रोग जो अपने आप में मनुष्य के शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं और इसका ये असंक्रामक रोग कहलाते हैं। इसका संक्रमण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में इंस्पेक्शन नहीं होता है, अतः असंक्रामक रोग की श्रेणी के अंदर इनकी गिनती है। जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि। दूसरे जो रोग हैं वो रोग को आगंतुक रोग की श्रेणी के अंदर माना है। आगंतुक रोग वो होते हैं जिस जो संक्रमण के द्वारा पैदा होते हैं, जो संक्रामक रोग कहलाते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रविष्ट करके और रोगी के शरीर को संक्रमित करते हैं और संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। जो हमारा जो कोरोना वायरस है, ये भी बाह्य संक्रमण विषाणु के द्वारा हमारे शरीर के थ्रोट के द्वारा इन्फेक्टेड होकर के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और श्वसन तंत्र को पूर्ण रूपेण दूषित करके और रोगी को संक्रमित करता है और रोगी को श्वास लेने के अंदर तकलीफ महसूस होती है, खांसी चलती है और बेचैनी बनी रहती है और रोगी को उल्टी, दस्त की शिकायत रहती है और रोगी को बुखार से पीड़ित कर देता है और अंत में रोगी के प्राणों को हर के चला जाता है और एक महामारी के रूप में पूरा विश्व में हमारे देश के अंदर और फैला हुआ है। अतः इस महामारी से बचाव के लिए आयुर्वेद संहिता के अंदर पहले भी हमारे ऋषि महर्षि ने बहुत ही अच्छा विवेचन किया, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आयुर्वेद संहिता के अंदर पूर्ण रूप में कहा था, ऐसे संक्रमण रोग को बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति को अपने आप को आइसोलेशन के अंदर रखना चाहिए, ऐसे ऋषि महर्षि ने पूर्ण रूप में हमें सावचेत किया था। और राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय आयुष मंत्रालय ने जैसी गाइडलाइन दी और जो लॉकडाउन किया है, वो लॉकडाउन पूर्ण रूपेण हमारी महामारी को फैलने से बचाने के लिए किया है। अतः इस लॉकडाउन को मैं सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ और आपको इस बात की सलाह देता हूँ, आप अपने आप को आइसोलेशन के अंदर रखें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें, घर से बाहर नहीं निकलें और जब भी घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़े तो आप मास्क का उपयोग करें या कपड़े के द्वारा अपने मुँह को ढक कर उसके बाहर निकलें और घर के अंदर जो है प्रविष्ट करें तो आप साबुन के द्वारा 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथ को अच्छी तरह से मल करके धोएं और उसके बाद ही आप घर के अंदर प्रवेश करें। अपने स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखें और घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलें और घर के अंदर रह करके आपको किस प्रकार की आयुर्वेद की जो दवा हमारे किचन के अंदर उपलब्ध है वो आपको उपयोग में लेनी है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, गिलोय का काढ़ा शास्त्रोक्त विधि से बना करके प्रातःकाल सायंकाल 30 से 40 ml की मात्रा में उपयोग में लेवें ताकि हम हमारे इस गले के इन्फेक्शन से बच सकें, क्योंकि इसका जो संक्रमण होता है वो गले के द्वारा प्रारंभ होता है, इसके विषाणु गले के अंदर विद्यमान रहते हैं तो गले के अंदर ही इससे उष्ण काढ़े के उष्ण
जड़ी बूटियों को सेवन करने से इसके विषाणु स्वतः समाप्त हो जाते हैं, अतः इस काढ़े का दोनों टाइम उपयोग में लेना चाहिए। अब दूध पीना है, दूध के अंदर अदरक और हल्दी डाल करके उबला हुआ दूध प्रातः और सायं उपयोग में लेवें। आपको पूरे 24 घंटे में पानी पीने की इच्छा हो तो गर्म पानी, अजवाइन युक्त गर्म पानी, उबला हुआ पानी पीना चाहिए ताकि अपन इसके इंस्पेक्शन से बच सकें। और गर्म पानी के अंदर नमक डाल करके दोनों टाइम गरारे करना चाहिए। और हल्दी प्लस अजवाइन का पाउडर 3-3 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं भूखे पेट लेना चाहिए ताकि हम इसके इंस्पेक्शन से बच सकें। इसके साथ ही भोजन के अंदर आप सूप का उपयोग, उष्ण सूप का उपयोग कर सकते हैं। सूप चाहे पालक का हो, चाहे अपने लौकी का हो, चाहे टमाटर का हो, उसमें गरम मसाला डाल करके और उसको छों करके प्रातः और सायं उपयोग में लेवें तो इससे निश्चित थ्रोट का इंस्पेक्शन दूर होगा और विषाणु अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर साफ स्पष्ट निर्देश हमारे आयुर्वेद संहिता में बताए हैं कि जो कुछ भी आप उपयोग में ले हो वो गर्म चीज़, गर्म पेय पदार्थ उपयोग में लेवें ताकि इस के विषाणु से हम विजय प्राप्त कर सकें, ये कि विषाणु अपने आप ही स्वतः ही नष्ट हो पावे। और इसके साथ ही उन्होंने आचार्य ने साफ कहा था कि जो जिसका इंस्पेक्शन है, संक्रमण है, उस व्यक्ति को अपने आप को अंदर आइसोलेशन के अंदर रखना चाहिए, अपने आप को घर के अंदर ही रहना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को उसका संक्रमण नहीं फैलें। और उस व्यक्ति के जो संक्रमित व्यक्ति हैं, और चाहे वो संक्रमित व्यक्ति नहीं है और वो अपने उस महामारी का बचाव के लिए वो अपने घर के अंदर ही रहें, और घर के अंदर रहते हुए इन आयुर्वेद के जो मैंने आपको नुस्खे बताए हैं उनके पालन करें, उनका दैनिक जीवन में उपयोग में लेवें ताकि हमारी इम्यूनिटी पावर डेवलपमेंट हो सकते हैं और हम इस संक्रमण से बच सकें। इसी आशा के साथ में मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे दिए हुए परामर्श को अनुसार आप घर में बैठे बैठे इसका उपयोग करेंगे। और इसके साथ ही राजस्थान सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन किया है उसकी बिल्कुल पालना करें, घर से बाहर नहीं निकले, घर के अंदर ही रहें और घर में रहते हुए इन हमारे बताए हुए उपायों को उपयोग में लेवें तो हम इस संक्रमण से बच सकते हैं और महामारी को रोकथाम करने के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।